तमाम देखने वालों को सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी एक्टर नदीम की बहुत सारी फिल्में इंडिया ने कॉपी की हैं और तकरीबन हर इंडियन अदाकार ने नदीम की फिल्मों को कॉपी किया है। आगे चलकर आपको हम इसकी तफसील से आगाह करेंगे। फ़िलहाल हम बात करते हैं पाकिस्तानी फिल्म दहलीज़ की। दहलीज़ 1983 में रिलीज़ होने वाली एक कामयाब मूवी है। इसके अदाकार नदीम, शबनम, अफजाल अहमद, हदायत मोहम्मद जावेद फाजल, प्रोड्यूसर तारक मसूद कुरैशी, मुसनफ सैयद नूर, मौसीकार कमाल अहमद। और नाज़रीन, पाकिस्तानी फिल्म दहलीज़ एक कामयाब मूवी थी। इस फिल्म में अदाकार नदीम और शबनम ने बहुत जानदार अदाकारी का मुजाहरा किया। इस फिल्म की कामयाबी को देखते हुए इंडिया ने ऊंचे लोग के नाम से 1985 में इस फिल्म को कॉपी किया। इसके अदाकार राजेश खन्ना, सलमा आगा और डैनी थे। हदायत ब्रिज, प्रोड्यूसर राजकुमार कपूर, आर पी शर्मा और फिल्म ऊंचे लोग के म्यूज़िक डायरेक्टर आर डी बर्मन। और नाज़रीन, आप ये देखेंगे कि इंडियन फिल्म डायरेक्टर ने कितनी खूबसूरती के साथ सीन बा सीन, प्रॉप्स, लोकेशन और कैमरा फ्रेम को कॉपी किया है। अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि हर सीन को उन्होंने कॉपी किया। और प्रॉप्स जो नदीम ने पहने हैं वही राजेश खन्ना को पहनाए गए हैं, वही फ्रेम लिए गए हैं, वही लोकेशन ली गई है। अभी हम आगे चल के आपको बताते हैं कि किस तरह सीन बा सीन जो है ना इंडिया ने इस फिल्म को यानी कि दहलीज़ को कॉपी किया है। नाज़रीन, अभी आप फिल्म दहलीज़ का एक सीन देखें, इसके बाद हम फिल्म ऊंचे लोग का सीन आपको दिखाएंगे। अब नाज़रीन, इंडियन फिल्म का सीन आप देखें। गई हमारी मोहब्बत, हमारी मोहब्बत जीत गई। हाँ, हमारी मोहब्बत जीत गई। अभी नाज़रीन, आप ये गाना देखें। आज तो खैर सही, प्यार से पैर सही, तेरी आँखों में कोई प्यार का पैगाम नहीं। तुझको अपना ना बनाया तो मेरा नाम। अब नाज़रीन, ये गाना देखें, सेम लोकेशन है, सेम कपड़े हैं। जीवन प्यार का प्यासा पंछी, पंछी पुकार में आया, जाल तुफान का रसदू का दौरा। तेरा घर तेरी गलियां, हम तो तेरी गलियां हम तो छोड़ चले, दिल का गमों से रिश्ता। नाज़रीन, आपको मेरी ये मालूमात अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें।